So the structure was अभी तक तो चल रहा है। आ जाइए हाँ जी, क्या नाम है इसका? नमन की ने में जैकलिन की है आपने, वेरी गुड। होमवर्क भी दिया था आपको, ये बोलो सहज। 3.3 आगे टू कॉमा अच्छा ड्राई इथाइल है 2.24 हाँ जी नमन ठीक है। नेमिंग ये कहाँ से नंबरिंग हुई स्टार्ट? नंबरिंग किस तरफ से स्टार्ट की है? थ्री थ्री डाइथाइल ले रहे इथाइल ग्रुप। अगर मैं यहां से करूं 1 2 3 अगर मैं यहां से करूं 1 2 3 तो इसका तो केस नहीं है, इसको तो दोनों तरफ से 3 3 मिल रहा है। यानी कि अब मैं इनका देखूं, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूंगी तो इनको नंबर मिल रहा है 2 2 4 ठीक है, जो आपके मिथाइल ग्रुप्स हैं। और अगर मैं यहां से स्टार्ट करूंगी तो इनको क्या नंबर मिल रहा है? अगर मैं इधर से स्टार्ट कर रही हूं तो मिथाइल ग्रुप्स को कौन सा नंबर मिल रहा है? 2 4 4 तो कौन सा वाला सेट प्रेफर करेंगे? इधर वाला 2 2 4 वाला ठीक है ओके। तो मैंने आपको लोकेंट सेट वाला जो रूल बताया था यहां पर हम वो अप्लाई कर रहे हैं। नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट वन, नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट वन। चलिए बेटा इसकी नेमिंग कीजिए, डू द नेमिंग ऑफ दिस एंड गिव मी द आंसर। फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन देन फाइंड द लोकेंट सेट। हाँ जी बेटा, चेन 6 की आ रही है। अगर आप सीधी देखोगे तो 1 2 3 4 5 की चेन है ठीक है। 6 की कैसे आ रही है? 1 2 3 4 5 6 इधर को भी ले सकते हैं, 1 2 3 5 6 इधर को भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 तो जिस तरफ से मर्जी चले जाओ आप ठीक है। जो चेन बन रही है वो 6 की चेन बन रही है। चलिए अब नेमिंग करके बताओ मुझे आंसर। जस्ट सो दैट इज 3 4 डाई इथाइल हेक्सेन, वेरी गुड।
ओके, सो दैट इज 3-4 डाइएथाइल हेक्सेन. तो 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ठीक है, तो एक 3 पर है और एक 4 पोजीशन पे है. ये दोनों जो है वो आपके इथाइल ग्रुप्स हैं और 6 की चेन. ठीक है, नाउ नेक्स्ट राइट डाउन. ये रब कर दूं, हो गया. चलिए बेटा इसकी नेमिंग करो. चेन फाइंड करो पहले सबसे. लॉन्गेस्ट चेन कितने की बन रही है? 10 की, 8 की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. वन टू थ्री, ये इसके साथ कनेक्टेड है ना, तो हमें ऐसे ही मूव करना पड़ेगा. 1, 2, 3, 4, 5. वो सी एच थ्री काउंट नहीं ना होगा जब आप ये सी एच थ्री इसके साथ लिंक था बेटा, ये इसके साथ लिंक था. हम वो सी एच थ्री थोड़ा काउंट करेंगे. ठीक है, जो लिंक्ड है जैसे जैसे वैसे वैसे हम जाएंगे. तो आपकी चेन ऐसे बन जाएगी कुछ. ठीक है, अब आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप साइड्स में है और 1 प्रोपाइल ग्रुप साइड पे. चलिए नेमिंग बताओ. अब मैंने 7 की बनाई है. एक मिनट मुझे देखने दो, मैंने स्ट्रक्चर तो नहीं गलत लिखा. दिस कार्बन विल आल्सो बी इंक्लूडेड. ठीक है, हमने ये वाला कार्बन भी इंक्लूड करना क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक्ड है ना इसके साथ. ठीक है, चलो करो नेमिंग. जैकलिन नेमिंग करो बेटा उसकी. मैंने आपको चेन बता दी है, अब साइड ग्रुप्स जो है उनकी नेमिंग करो. हाँ जी बेटा बोलिए. 5 इथाइल, 2, 3. ठीक है, जस्ट अ मिनट. स्ट्रक्चर इज रॉन्ग. यहाँ से यहाँ पर जो डायरेक्ट लिंकेज है वो सी एच की है ना कि सी एच थ्री. ऐसे अब आपने वो कर लिया हुआ है, कोई बात नहीं, मुझे इसका भी नाम बता दो. ठीक है, इसकी भी एक बारी नेमिंग करके बता दो. वो पिछले वाले की मैच कर लो ना, क्योंकि 3, हाँ वो एक दूसरे के साथ मैच कर लो ना. ठीक है, अब इसकी बताओ मुझे. बेटा यहाँ से करेक्शन कर लेना, स्ट्रक्चर यहाँ से लिंक है कार्बन के साथ, सी एच थ्री के साथ लिंकेज नहीं है.
बेटा आपने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, ये हमने चेन सेलेक्ट कर ली। अब मेरे साइड ग्रुप्स कौन कौन से हैं, एक दो और तीन। लोएस्ट लोकेंट रूल बताया था आपको मैंने, अब दोनों के अकॉर्डिंग यहां से नंबरिंग स्टार्ट करो, ठीक है, और इधर से नंबरिंग स्टार्ट करो, फिर देखो कि इन तीनों को सबसे कम नंबर किस साइड से मिल रहा है, ठीक है, फिर आपने उसकी नंबरिंग करनी है। किस तरफ से नेमिंग करें बेटा? हाँ जी अदिति, इस साइड से या इस साइड से? लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग, लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग किस तरफ से नंबरिंग करें इसकी? अगर इधर से करेंगे 1 2 3 4 तो सेट बन रहा है 3 4 एंड 5, ठीक है। इधर से अगर मैं नंबरिंग करूं तो सेट बन रहा है ये 3 है और ये 4 है और ये इसके साथ 5 लिंक है, ठीक है, और ये 6 है, ठीक है। और अगर मैं इधर से करूं तो 1 2, ठीक है, 2 3 देन 4 देन 5, ठीक है। कौन सा सेट प्रेफर करेंगे? ये वाला, नीचे वाला, तो यानी कि नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे फिर 1 2 वाली। करो स्टार्ट और मुझे आंसर बताओ। अब तो मैंने सेट बता दिया आपको, लोकेंट का, लोकेंट का सेट भी बता दिया मैंने सारा, 2 3 4 5 आना है। सो दिस इज 1, दिस इज 2, ठीक है, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 6 एंड 7। नमन बताओ, नेमिंग बताओ। अब आपके पास 3 मिथाइल ग्रुप हैं, 1 इथाइल ग्रुप है, कौन सा पहले लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे कि इथाइल लिखेंगे? इथाइल ग्रुप लिखेंगे। इथाइल ग्रुप का नंबर कौन सा है? 3 नंबर है, तो डेट इज 3 इथाइल। आगे बचा 2 4 एंड 5, कितने मिथाइल ग्रुप्स हैं? डेट इज ट्राइमिथाइल। उसके बाद कितने की चेन है? 7 की चेन है। 7 के लिए हम वर्ड रूट कौन सा यूज करते हैं? हैव, ठीक है, मैं नीचे लिखने लगी हूँ, आपने साथ में लिखना सारा। सिंगल बॉन्डेड है तो डेट इज हैप्पी, ठीक है, क्लियर है अब? ठीक है, बेटा यही नेमिंग का रूल है, हमने लोएस्ट सेट जो है वो प्रेफर करना है जिसमें जो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं उनको कम से कम नंबर मिले, ठीक है, दिस इज द रूल फॉर द नेमिंग। अब उसके बाद नेक्स्ट लिखिए, यहां तक अभी आपने अल्काइल ग्रुप्स डिस्कस किए हैं, राइट। नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर वी विल बी डिस्कसिंग इन विच वी विल बी हैविंग द डबल एंड द ट्रिपल बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सो राइट डाउन द फर्स्ट रूल, आपने सबसे पहले चेन वही सेलेक्ट करनी है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो लॉन्गेस्ट बन रही है या नहीं बन रही, ठीक है। अगर तो डबल या ट्रिपल बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स हैं तो आपने जो चेन है जिसमें डबल या ट्रिपल आ रहा है, बॉन्ड आ रहा है, आपने वही सेलेक्ट करनी है, चाहे उसकी जो लॉन्गेस्ट चेन वाला रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, ये हमने नहीं देखना है। राइट डाउन द सेकेंड वन, अगेन मल्टीपल बॉन्ड को आपने कम से कम नंबर देना है, मल्टीपल बॉन्ड इट शुड बी गिवन द लोएस्ट नंबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे राइट डाउन, मैं दो स्ट्रक्चर्स लिखती हूँ, आपने मुझे बताना है कि इसमें से आप कौन सा सेट प्रेफर करोगे। बताइए इसके लोकेंट का सेट, व्हाट इज द लोकेंट सेट? या इसका नेमिंग ही बता दो सिंपल। ब्यूट, पहले तो ब्यूट आएगा, उसके बाद ब्यूट 1 इन, 1 इन क्यों, यहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है, 1
two, three and four. So it will be but one. ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट सेट लिखिए. नेक्स्ट रूल, अगर आपके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे आप एल्काइल ग्रुप्स में डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज करते हो, वैसे ही अगर आपके डबल या ट्रिपल बॉन्डेड ज्यादा होंगे तो आपने डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज करने. डाई इन ट्राई इन, ठीक है, डाइन डी आई वाई एन ई, ठीक है, तो आपने ये वर्ड यूज करने हैं इफ यू आर हैविंग मोर देन वन डबल बॉन्ड. ओके, नेक्स्ट राइट डाउन. नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट वन, ये लिखिए. अब अगर आपके पेरेंट चेन का, अगर आपकी जो पेरेंट चेन है उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ रहे हैं, अब हमें ये नहीं पता है कि हमने किसको प्रेफरेंस देनी है. ठीक है, अगर आपकी पेरेंट चेन है उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ रहे हैं, अब आपको नहीं पता है कि मैं किस तरफ से स्टार्ट करूं या मेरे को किस तरफ को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को, तो सी द लोकेंट सेट. ठीक है, हमने लोकेंट सेट देखना है. अब यहां पर दो केसेस आते हैं, देयर विल बी टू केसेस. अगर तो लोकेंट सेट जो है वो सेम आ जाता है, अगर लोकेंट सेट, अगर मैं इधर से नेमिंग कर रही हूँ लेफ्ट से या राइट से, अगर तो वो लोकेंट सेट सेम आ जाता है, यू हैव टू गिव प्रेफरेंस टू द डबल बॉन्ड. जिस तरफ डबल बॉन्ड को कम नंबर मिल रहा है आपने उसको प्रेफरेंस देनी है बजाय ट्रिपल बॉन्ड के. रूल क्लियर है? अगर हम लोकेंट सेट लिख रहे हैं लेफ्ट से एंड राइट से और वो सेट जो है वो दोनों तरफ से सेम आ रहा है, 3-4 नंबर मिल रहा है सपोज दोनों को, तो आपने किसको प्रेफरेंस देनी है? उस सेट को देनी है जिसमें डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिल रहा है. ठीक है, अगर लोकेंट का सेट डिफरेंट आ जाता है, देन यू हैव टू गिव प्रेफरेंस टू दी लोएस्ट लोकेंट सेट. फिर आपने डबल या ट्रिपल बॉन्ड को नहीं देखना है, आपने अपने लोकेंट के सेट को देखना है कि उसको किस तरफ से कम नंबर मिल रहे हैं. क्लियर हो गया? चाहे वो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दे रहा हो, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड को दे रहा हो. इज दिस रूल क्लियर? बोथ रूल्स आर क्लियर. चलिए अब एक एग्जाम्पल लिखिए. Write down one example for this. चलिए ये दो examples हैं आपके पास, जो मैंने अभी दो rules बताए हैं उनके according मुझे इनकी naming करके बताओ. Firstly, find out the locant set from the both sides. सबसे पहला काम ही आपका locant ढूंढना होगा. दोनों तरफ numbering करो और दोनों के locant set लिखो. अच्छा एक बात और, whenever you are doing the numbering, 1, 2, जो पहले वाला number है वो हमने double या triple bond को देना. समझ आया? जो पहले वाला number होगा ना वो मिलेगा इसको. यानी कि अगर मैं इस ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रही हूं तो इसको पहले कौन सा नंबर मिलेगा? 1 मिलेगा. ठीक है, क्लियर हो गया? क्योंकि दो कार्बन के बीच में है तो जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो उसके पहले वाला आपने देख लिया. ठीक है, हाँ इसका बता रहे हो, फर्स्ट वाले का पूरा नाम बताओ. पेंट वन इन पॉइंट फाइव कैसे हो गया बेटा? अभी मैंने क्या बोला? अभी मैंने क्या बताया? आप यहां से नेमिंग स्टार्ट कर रहे हो, 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो अभी मैंने बोला ना इसको कौन सा नंबर देना है, हमने 4 देना है. अब ये नाम कैसे आया देखिए, दोनों तरफ से नेमिंग लिख लेते हैं. अगर मैं दोनों तरफ से नेमिंग देखू तो इसको 1 और इसको कौन सा नंबर मिल रहा है? 4. इधर से इसको 1 मिल रहा है, इधर से इसको 4 मिल रहा है.
मैं अभी तो बोल के हटी हूँ, आपने पहले वाला देखना है। अभी ये चीज बताई ना मैंने कि डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर में आपने इस वाले कार्बन को देखना है जो पहले वाले में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इधर से देखेंगे तो इस इधर से भी वन, इधर वाले को प्रेफरेंस पहले देंगे, ठीक है, और इधर से इसको देंगे पहले, तो अगेन वन एंड फोर बन रहा है। तो लोकेंट का सेट क्या आ गया है, सेम आ गया। अब जब लोकेंट का सेट सेम आ जाता है तो मैंने आपको क्या बताया है कि आपने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, कि डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए। तो दैट मीन्स वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड, इस साइड से नेमिंग स्टार्ट करेंगे। अब इस साइड से नेमिंग बोलिए। हाँ जी, वर्ड रूट पहले लिखेंगे क्योंकि हमारे पास कोई प्रीफिक्स नहीं है अब इस पॉइंट पे, नो प्रीफिक्स आर देयर। ओके, सो दिस इज पेन, वन इन, ई पहले आता है, ई अल्फाबेटिकली पहले आता है, ठीक है, एंड फोर, ठीक है। हाँ जी, ई टू, ठीक है, आपने स्किप करना कर सकते हो क्योंकि जनरली हम वॉवल्स को स्किप भी कर देते हैं, ठीक है, नो हार्ड एंड फास्ट। सेकंड की नेमिंग बताओ अब मुझे। सेकंड की नेमिंग बताइए। अब इसमें सेकंड रूल अप्लाई होगा जो मैंने आपको बताया है, यहाँ पर लोकेंट का सेट डिफरेंट डिफरेंट होगा तो हमने लोएस्ट लोकेंट वाले को सेलेक्ट करना, ठीक है। चलो पहले लोकेंट बताओ दोनों के कौन कौन से आ रहे हैं। वन थ्री आ रहा है एक का, और एक का टू फोर आ रहा है, तो विच वी विल बी सिलेक्टिंग, विच सेट वी विल बी सिलेक्टिंग, वन थ्री, तो वन थ्री वाले को सिलेक्ट करो। वन थ्री विल बी सिलेक्टेड अगेन इफ यू आर डूइंग द नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ठीक है। चल सहज नाम बताओ बेटा। पेंट पहले ही वन आइन, अल्फाबेटिकली आइन पहले आएगा। थ्री वन नाइन, ठीक है जी। चलिए राइट डाउन द नेक्स्ट वन। अगेन अगर आपके, अब इसमें सिर्फ डबल बॉन्डेड थे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड थे, अगर साइड ग्रुप्स भी आ जाते हैं तो भी हमने मल्टीपल बॉन्ड को देखना है पहले, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए एज कम्पेयर टू द एल्काइल। ओके, तो अब ये सारे रूल्स क्लियर हैं आपको, ठीक है। नेमिंग दूं अब, चलो राइट डाउन। ऐसे ही जब हम फंक्शनल ग्रुप्स करेंगे तो उसके भी कुछ नेमिंग्स के रूल्स होंगे, तो हमने सारी नेमिंग्स के रूल्स जो हैं वो याद रखने हैं। एंड टुमारो यू आर हैविंग टेस्ट ऑफ दिस नॉमेनक्लेचर। चलो बताओ आंसर। सो दिस इज थ्री मिथाइल, वेरी गुड। ठीक है जी, किस तरफ से नेमिंग स्टार्ट की होगी? इस तरफ से, क्योंकि हमने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। सो वन टू एंड थ्री, ओके। सो थ्री पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, थ्री मिथाइल, चार की चेन है ब्यूट और वन ई, ओके। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, नमन तूने बताना है अब नेक्स्ट मुझे।
चलिए डू द नेमिंग फॉर दिस. हाँ जी नमन. नमन चेन कौन सी सिलेक्ट करूं पहले ये बताओ बेटा. सीधी चेन. सो दिस चेन विल बी प्रेफर्ड. ठीक है कहां से नंबरिंग करूं इस साइड के इस साइड. इस साइड से. नाम बताओ. हाँ जी नमन नाम बताइए. पहले क्या आएगा मुझे ये बता. एक इथाइल ग्रुप लगा है एक डबल बॉन्ड है एक ट्रिपल बॉन्ड है. पहले किसको लिखना मैंने है सीक्वेंस में वर्ड रूट से पहले क्या आएगा. मिथाइल इथाइल ग्रुप आएगा ना. इथाइल ग्रुप का क्या नंबर है. सो दिस इज थ्री इथाइल. वर्ड रूट क्या है हेक्स. उसके बाद पहले डबल बॉन्ड लिखना है ट्रिपल बॉन्ड लिखना है. डबल बॉन्ड का नंबर फिर ट्रिपल बॉन्ड का नंबर फिर. ठीक है जी. सो दिस इज थ्री इथाइल हेक्स वन ई फाइव आयन. ठीक है क्लियर है. नेक्स्ट लिखिए अब जैकलिन. नेक्स्ट आपने बताना है मुझे. हाँ जी सब कुछ आ सकता है वो भी बताना. मैंने बॉन्ड लाइन नोटेशंस भी आ सकती हैं आपको. अभी जैसे बताती हूँ एक स्ट्रक्चर की. जैकलिन इसका नाम बताओ बेटा. जैसे फॉर एग्जांपल है आपको यही स्ट्रक्चर गिवन है. ठीक है इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या हो सकती है. कितने कार्बन है इसमें. वन टू थ्री फोर एंड फाइव. वन टू थ्री फोर एंड फाइव. देखो इधर पहले ये जो एजेस है ना ये आपके कार्बन शो करते हैं. ठीक है पांच कार्बन लिख दिए मैंने. अब यहां से अगर मैं स्टार्ट कर रही हूं तो इसके और इसके बीच में डबल बॉन्ड है. ठीक है ये जो थर्ड वाला है ये वाला इसमें एक अल्काइल ग्रुप लगा तो अल्काइल ग्रुप्स को वो ऐसे शो करते हैं. ठीक है अल्काइल ग्रुप लगा है डेट मींस दिस इज मिथाइल. ओके अब इसके और इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो अगर इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन आएगी तो आपको ऐसे. ठीक है वो आपने इसका इथाइल ग्रुप के लिए यहाँ पर आगे ब्रांचिंग कर देंगे. ठीक है यानी कि ये मिथाइल है ये इथाइल बन जाएगा ना एक और कार्बन ऐड हो गया यहाँ पर. ओके तो इसकी ऐसे ब्रांचिंग के साथ या बॉन्ड लाइन नोटेशंस जो है वो आपको शो की जाएंगे. राइट तो आपने इस स्ट्रक्चर को पहले खोल लेना है ऐसे फिर इसकी नेमिंग करनी है. राइट और नेम से भी स्ट्रक्चर आ सकता है तो दोनों वे से हमने करना वो भी मैं बताऊंगी अभी पहले इतना करो. चलिए इसका नेम बताओ जैकलिन. थ्री मिथाइल पेंट हां जी थ्री मिथाइल पेंट
डबल बॉन्ड आएगा सेल पहले कि सिंगल ट्रिपल बॉन्ड? डबल बॉन्ड का नंबर क्या है? डबल बॉन्ड का नंबर टू नहीं लेना, उससे पहले वाला लेना है वन, वन इन, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का उससे भी पहले वाला लेना है फोर आइन. सो दिस इज थ्री मिथाइल पेंट वन इन फोर आइन, हो गया. चलिए नेक्स्ट राइट डाउन. सहज योर टर्न. चलो दिस इज योर होमवर्क, ठीक है.